हेलो स्टूडेंट सर्वोदय नमस्कार टुडे वी आर गोइंग क्लास 5 एक्सरसाइज 3.6 इन आवर प्रीवियस वीडियो वी आर कवर्ड सब क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.6 इन दिस वीडियो वी कवर क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द एलसीएम Yeah, the first question is 18, 36, 60, 72. इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट सबसे पहले 18, 36, 60 और 72 इस तरीके से लिखेंगे. देखिए इस तरीके के मेथड में आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि जो भी हम प्राइम नंबर लेंगे उस प्राइम नंबर से कम टू नंबर मेरा कटना चाहिए. तो नाउ इसमें देखते हैं अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 से 18 भी कटता है 36 भी कटता है 60 भी 72 भी. तो हम 2 से कहते हैं 2 9 18 18 बार में 36 31 में 60 36 बार में 72 है ना. 3 2 जा 6 2 3 जा 6 2 6 जा 12. अब आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं ये भी कटेगा क्या 2 से. यस ऑफ कोर्स 2 से कटेगा. 9 का 9 ही हो जाएगा 2 9 जा 18 2 से 15 बार में 2 से 18 बार में. ओके स्टूडेंट्स अब यहाँ देखते हैं क्या ये फिर से कटेगा. यस किसे कटेगा ये आपका 3 से कटेगा. 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 से 6 बार 3 6 जा 18 फिर देखें 3 से लग जाएगा क्या हो जाएगा 3 बन जा 3 3 बन जा 3 3 ये 5 का 9 लेगा 3 से तो 5 को 5 नीचे आ जाएगा 3 2 जा 6. ओके स्टूडेंट्स तो इस तरीके से हुआ. अब देख रहे हैं क्या फादर ये लेगा क्या नहीं लेगा. तो नहीं लेगा तो इसका क्या क्या करेंगे एलसीएम. तो एलसीएम इसलिए एलसीएम ऑफ 18 36 60 एंड 72 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 फिर देखते हैं 5 इंटू 2 5 इंटू 2 यहां देख रहे हैं स्टूडेंट 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 2 जा 72 और 72 5 में कितना हो जाएगा 5 2 3 0 आ जाएगा 1 मतलब 360 कितना हो जाएगा 360 तो मेरा क्या हो जाएगा 360 मेरा आंसर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स 360 नाउ लेट्स कम ऑन दी अदर क्वेश्चन. ओके इसको आप नोट कर लीजिएगा. या 360 इस क्वेश्चन में क्या होगा आंसर. आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट 20 25 30 एंड 50 क्वेश्चन नंबर 2 20 25 30 और क्या 50 इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स इसको भी ले लेंगे 20 25 30 और 50 को अगर हम लगा देते हैं 2 से लगेगा क्या. यस ऑफ कोर्स लगेगा 2 से 2 10 जा 20 फिर ये 25 हो जाएगा ये 15 बार में ये 25 बार में ठीक है. फिर ये 2 से लेगा नो ये 2 से नहीं लेगा अब किसे लेगा ये 5 से 5 में 10 5 है 25 5 से 15 5 है 25. ओके स्टूडेंट्स सॉरी सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर जो होगा अगर ये 2 से लगा रहे हैं 2 10 जो 20 2 से 25 को नहीं कटा फिर मेरे पास क्या हो जाएगा 30 2 से लगाएंगे 15 बार में और ये 25 बार में. ओके फिर देखते हैं ये किसे लगेगा 5 से 5 to 18 5 to 25 5 to 15 5 to 25 पिछले वाला सही था. अब देखते हैं यहाँ पर किसे लगेगा अब ये 5 से लग जाएगा स्टूडेंट्स फाइव से लगाते हैं टू फाइव पंजा फाइव
थ्री फाइव वन जा फाइव। ओके तो इस तरीके से मेरा क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। अब देखते हैं इसके एलसीएम क्या होगा। इसलिए एलसीएम ऑफ 20, 25, 30 एंड 50, इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 × 5 × 5, 2 × 5 × 5, 2 × 3। ओके तो यहाँ देखते हैं ये कितना होगा, 10 × 100, 100 × 3, 300 हो जाएगा। देखिए 5 × 10, 10 × 50, 50 × 2 = 100, 100 × 3 = 300। इसका आंसर क्या होगा, 300। ओके स्टूडेंट्स, या लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, 8, 12, 20, 30, 80। अगर इसका देखा जाए एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 8, 12, 20, 30, 80। इसका जो एलसीएम होगा वो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये 2 से ले जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 12, 2 × 20, 2 × 15 = 40। फिर देखते हैं 2 से ले जाएगा, 2 × 4 = 6, 2 × 5 = 10। फिर ये लेगा क्या, 2 से नहीं लेगा 15, तो 15 × 15 और 2 × 20 = 40। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर ये 2 से लेगा क्या, यस 2 से लेगा, 2 से लगाते हैं, 2 × 2, 3 × 3, 5, 15, 2 × 10 = 20। ओके अब देखते हैं ये किसे लगेगा, या ये हमारा 3 से लग जाएगा, 1, 3 × 3, 3, 5 × 5 = 15 और ये 10 × 10। देखते हैं 5 से लगेगा, फिर 5 से लगाते हैं क्या हो जाएगा, 1, 1, 5 × 5, फिर 5 × 5, 5 × 10। ओके जी तो इस तरीके से ये मेरा हो जाएगा फैक्टराइज। अब इसके एलसीएम क्या होगा वो देखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एलसीएम ऑफ 8, 12, 20, 30, 80। एलसीएम कितना हो जाएगा स्टूडेंट इसका, एलसीएम जो होगा 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, 3 × 5, 3 × 5 × 2। ओके देखिए 2 × 2, यस 2 × 2, 2, 3 × 5 × 2। इसे क्या हो जाएगा आंसर, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 5 = 24। ठीक है, 8 × 3 = 24, 24 × 10 = 240। ये बड़े क्या होगा एलसीएम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम ऑन द अदर क्वेश्चन। व्हाट इज अदर क्वेश्चन इज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही। क्वेश्चन नंबर 5, 9, 12, 18, 24, 23। ओके स्टूडेंट्स आते हैं इस पे, तो देखिए इसका जो होगा 9, 12, 18, 24, 27। अब इसको हम लगाते हैं किससे, ये मेरा कटेगा 3 से, 3 × 9 = 12, 3 × 18 = 24, 3 × 27। फिर ये किससे ले जाएगा स्टूडेंट्स, फिर इससे ये 3 से लेगा, 3 × 3, 4 × 4, 3 × 2 = 6। फिर 8 हो जाएगा, 3 × 3 = 9। देख रहे हैं अब ये 2 से लग जाएगा, 1, 2 × 2 = 4, 2 × 2, 2 × 4 = 8, 3 × 3। फिर 2 से लगेगा क्या हो जाएगा, 1, 2 × 2, 1, 2 × 4, 3 × 3। ओके तो इसके एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसलिए
एलसीएम ऑफ 9, 12, 18, 24, 27. इसका एलसीएम जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए 3 into 3 into 2, फिर into 2, फिर क्या होगा 2 into 3, ठीक है, 3 into 9, 9 to 18, 18 to 36, 36, 2 जा 72, और 72 2 जा कितना होगा 3 into 9, 9 to 18, 3 into 36, 32 to 72, 2 जा 6, 72 into 3, 3 to 6, 216, 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 216
भी हैपन आफ्टर सम डेज वी विल टेक टेस्ट ओकेशन थैंक यू।